Good morning, students. I welcome you all to grade 5. Today, this is our first maths lesson, and we are starting our lesson 1, which is numbers and operations. Okay, our first topic is numbers up to 10 digits. If you remember, we learned reading up to 9 digits in class 4. Same techniques applies to greater numbers. For this purpose, I want to recall the reading of numbers up to 9 digits. I have already written a number for you, so I am writing its place value. Okay, we will take a start from its right side. First digit is 1. The place value of 1 is units. The place value of 2 is tens. 6 is hundreds. 5 thousands. 7 10,000. 4 100,000. 3 millions. 6 10 million. 9 100 million. So this is your previous word. Okay, now I am separating 3 digits in one column. 1, 2, 6. Isko separate kar lenge. 5, 7, 4. Isko separate kar lenge. 3, 6, 9. Isko separate kar lenge. First column ko hum kahenge units. This is the column of units. सेकेंड कॉलम को कहेंगे थाउजेंड्स. सेकेंड कॉलम होगा थाउजेंड्स का. थर्ड कॉलम को कहेंगे मिलियंस. ठीक है, इस पूरे नंबर को, जो 9 डिजिट नंबर होता है, इसको हम 3 कॉलम्स में सेपरेट करते हैं. हर कॉलम में 3 डिजिट्स होने चाहिए. फर्स्ट कॉलम को कहते हैं यूनिट्स, सेकेंड कॉलम को कहते हैं थाउजेंड्स, थर्ड कॉलम को कहते हैं मिलियंस. नाउ हाउ विल वी रीड दिस नंबर? अगर इस नंबर को 963 को सेपरेटली रीड करें तो हम इसको पढ़ेंगे 963. ओके, इसको सेपरेट रीड करें तो 475. इसको सेपरेट रीड करें तो 621. लेकिन हमने देखना है कि ये कौन से कॉलम में है. सो 963 मिलियंस, 475,000, 621. ये कॉलम का यूनिट, ये यूनिट का कॉलम है, तो इसको सिंपल ऐसे ही पढ़ेंगे. आई एम रीडिंग अगेन. 963 मिलियंस, 475,000, 621. दिस वॉज योर प्रीवियस टास्क. ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न इट इन ग्रेड 4. नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग बिलियंस. ये जो 10th डिजिट मैंने लिखा है, ये दिस इज कॉल्ड बिलियंस. सो अगेन, जैसे मैंने वहां पर 3 डिजिट्स को सेपरेट किया था, दिस वन विल बी बिलियन. यहां पे कोई डिजिट होगा उसको 10 बिलियन कहेंगे, और यहां पे कोई डिजिट होगा तो उसको 100 बिलियन कहेंगे. तो ये कॉलम हो जाएगा बिलियंस का. Now I am writing the given number in words. 1 billion, comma, 963 million, 475,000, 621. Okay, I'm repeating it again. If we are given 9 digit number or 10 digit number, we will separate that number in columns, and each column has 3 digits. Each column must have
थ्री डिजिट्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट थ्री डिजिट्स को हमने एक कॉलम में सेपरेट कर दिया, फिर थ्री डिजिट्स को नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट थ्री डिजिट्स को नेक्स्ट कॉलम में, और लास्ट में ये वन डिजिट रह जाता है। फर्स्ट कॉलम विल बी कॉल्ड यूनिट्स, सेकंड कॉलम विल बी कॉल्ड थाउजेंड्स, क्योंकि आप देखो यहाँ से स्टार्ट होता है ना यूनिट, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, तो इसलिए इस कॉलम को थाउजेंड कहते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट यूनिट्स का है, सो इस कॉलम को यूनिट्स कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट मिलियंस है, इसलिए इस कॉलम को मिलियंस कहते हैं, और ये फिर बिलियन हो जाता है। सो अगेन इफ वी रीड दिस नंबर सेपरेटली, दिस इज 963, दिस इज 475, दिस इज 621, लेकिन हमने इसको सेपरेट किया था कॉलम्स में, सो दैट्स व्हाई वी विल रीड इट एज 1,963,475,621. Now I am starting exercise 1, and in exercise 1 you need to write the given numbers in words. Okay, first number is 3. जैसे मैंने वहाँ पर जब हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था, वहाँ पर मैंने थ्री थ्री डिजिट्स को सेपरेट कॉलम्स में लिखा था, ठीक है, उसको मैंने कॉलम में डिवाइड कर दिया था। तो इसी तरह यहाँ पर हर कॉलम को सेपरेट करने के लिए कॉमाज हैं बीच में, ठीक है। यहाँ पर देखें कॉमा है, फिर थ्री डिजिट्स के से पहले कॉमा है, ठीक है, मतलब इन तीनों को सेपरेट किया हुआ है कॉलम्स में। अच्छा, सबसे पहले आपने काउंट करना है डिजिट्स को, कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट मींस देयर इज नो बिलियन हेयर, ठीक है, बिलियन यहाँ पे है ही नहीं, यू विल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम मिलियंस। सो फर्स्ट रीड दिस नंबर सेपरेटली, दिस इज 410, दिस इज 138, एंड दिस इज 700, सो हाउ विल यू रीड इट, 410,138,700, 410,138,700, 410 million, 138,700, 410,138,700. Now look at the second number. Again count the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Again there are 9 digits, it means there is no billion here. You will take a start from millions. I am writing the number 334986000. Okay, 9 digits are there, so you will take a start from millions. Read this number, this is 334. Read this number, this is 986. And in units column, all digits are zero. So 334,986,000. And in units column, all digits are zero. So you will not read. So you will not write anything. 934,986,000, and 986,000 means the digits in columns place are all zero, and in units column are all zero. Okay, next number. In next number there are 10 digits, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 digits are there. This is the column of units. This is the column of thousands. This is the column of millions. And this is the column of billions. So it means, how will you write or how will you read this number? 8,978,000,020. In thousands column, all digits are zero. So you will not say anything. You will not write anything. Right? 8,978,000,020. 8 billion, comma, 978,020,000. This is 20. Okay, class, I am repeating again. In exercise 1, आपने जो numbers given थे इनको words में लिखना था, ठीक है? अगर 9 digits हो, या जितने भी digits हो, 9 digits हो, 10 digits हो, सबसे पहले तो आपने उनको separate करना है columns में, और हर column में 3 digits होने चाहिए. तो यहाँ पे देखें, हर जैसे जो first number है, इसको 3 columns में divide किया हुआ है, 3 digits हैं हर column में. ये जो last वाला 700 वाला है, this column is called units, thousands, millions, units, thousands, millions, units, thousands, millions, and then billion. Billion is new for you. The rest of the work is you have learnt it in grade 4. Now let's take a start. 410,138,700. 334,986,000. 8,978,020. Dear students, it's enough for today. I want you all to practice all these questions in your rough registers or in rough copies. Okay, thank you.